सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम बात करेंगे 27 मई गुरुवार आपके राशि फल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु देव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 27 मई 2021 दिन गुरुवार का रहेगा और ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 1:02 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की द्वितीया नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 1:15 से लेकर ठीक रात्रि के 10:29 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो सिद्ध नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 6:47 तक चलेगा और इसके उपरांत साध्य नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। चलिए जानते हैं अब सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो टाइमिंग्स है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:45 पर और सूर्यास्त का टाइमिंग ठीक शाम के 7:02 पर और चंद्र उदय का टाइमिंग्स ठीक रात्रि के 8:19 पर और चंद्रास्त होगा ठीक सुबह के 7:14 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि 10:29 तक चलता रहेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह दोपहर 2:03 से लेकर ठीक दोपहर 3:43 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं आ सकता है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। चलिए जानते हैं अब आपकी डेली राशि फल। जी हाँ, हम आपकी डेली राशि फल की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले बता दें, आज आपका लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 6 रहेगा और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे कहते हैं कि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो आज आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा छोटा पागलपन है और यह आपको
भारी नुकसान की ओर धकेल सकता है। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखें और अधिक गुस्सा अपने अंदर न आने दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है। यह समय काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली साबित होगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। अतः बाहरी लोगों को कहने पर अमल करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए किसी और के बातों में न आए, जितना हो सके अपने दिल की सुने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें तो नौकरी व बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए गाय को हरी घास व हरा चारा खिलाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।